दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन करने के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाथ से पीछे कर दिया। जैसे ही शिलापट के उद्घाटन के लिए केजरीवाल आगे आने लगे तो सक्सेना ने उन्हें हाथ से इशारा कर पीछे हटने को कहा। हालांकि दोनों ने साथ में उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जब केजरीवाल ने समारोह में भाषण देना शुरू किया तो वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। केजरीवाल ने भाषण रोककर कहा, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी बात 5 मिनट सुन लीजिए, अगर अच्छी नहीं लगे तो छोड़ देना। हालांकि नारे लगाने वाले नहीं माने। एलजी ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई कि वे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन सुबह 11 बजे करेंगे। इसके बाद सुबह 7:22 आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि सीएम केजरीवाल 10:30 कैंपस का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद भाजपा और आप कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में जुटने लगे। हंगामे के आसार के चलते लिए यूनिवर्सिटी में फोर्स तैनात की गई थी। यूनिवर्सिटी में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री और एलजी ने कैंपस का उद्घाटन किया। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।